हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा, आप देख रहे हो मेरा चैनल रिचा रॉय। और ये चैनल आप लोग सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे DIYs और बहुत सारे जो मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत सारे रिव्यू उनके मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे फेस पैक मिल जाएंगे, बहुत ही अमेजिंग फेस पैक मिल जाएंगे आपको। अगर आप लोग ज़्यादा मेकअप वगैरह करते हैं तो मेकअप से रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप चाहते हैं। और अगर आप DIYs बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो वो वाले चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, जैसे सीरम वगैरह। और मैंने मार्केट वाले सीरम जो आते हैं उनका भी रिव्यू कर रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग एक बार जरूर बना के देखिए। और ये पैक ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करने वाला है, इसलिए वो लोग इसको बना सकते हैं। और इस पैक में आपको मतलब कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, आपको सब घर में ही मिल जाएगा। आपके पास अगर है तो आप बना सकते हो। हाँ, सेंसिटिव स्किन वाले जो भी मैंने इसमें सिट्रिक वाले फ्रूट मतलब जो खट्टे होते हैं वो वाले फ्रूट जो डाले हैं इसमें, थोड़े बहुत जो जूस वगैरह डाले हैं, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। और अगर मतलब ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको सूट करे तो आप वो यूज़ भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फटाफट से देख लीजिए ये पैक। और अगर आप कहीं जा रहे हैं उससे पहले आप ये फेस पैक लगाएंगे ना, तो आपकी स्किन एकदम ग्लोई और शाइनी तो हो ही जाएगी। सभी लोग पूछेंगे कि आपने क्या लगाया है। आप मेरी स्किन भी देख रहे होंगे, मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है, तो आप खुद भी देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। देखिए, मैंने अभी अभी वो वाला ही पैक लगा कर फिर मेकअप किया है, मतलब फिर तैयार हुई हूँ, तो आप देख सकते हो मेरा मेकअप। और मैं कुछ ज़रूरी बात करने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये पैक अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक सपोर्ट करिए, आप लोग जब सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोग मोटिवेट होंगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाएंगे। और जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब और लाइक बिल्कुल फ्री होता है, मतलब सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, आप लोग आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए आए हैं, मेरे वीडियो नया देख रहे हैं, रिचा रॉय चैनल पर जाकर सारे वीडियोज़ चेकआउट कीजिए। आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो आप देख सकते हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आपको कौन सा पैक वगैरह या फिर आप और क्या देखना चाहते हो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होम रेमेडीज से रिलेटेड और ब्लॉग्स भी मैं बनाने शुरू कर दी हूँ, और अच्छे लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, अच्छा लगे तो। चलिए फटाफट से देख लीजिए, और मुझे तो थोड़ी सी बात करनी है आपसे, तो पहले आप पैक देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बताती हूँ कि मैं क्या कौन सी बात करने वाली हूँ आपसे। तो चलिए देख लीजिए पहले, फिर आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पैक के लिए मुझे चाहिए, ये थोड़ा सा मैंने फुलर्स अर्थ लिया है, मतलब मुल्तानी मिट्टी ली है, और ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा पैक है, तो मैं ऑयली स्किन के लिए ही आज बताने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले एक वन स्पून है ये मुल्तानी मिट्टी, और मैं टमाटो लूँगी, टमाटो का जूस ले लूँगी मैं। तो टमाटो को मैंने बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया है इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पर एक हुक करूँगी। और फिर इसका जूस मैं निकाल कर इसमें डाल दूँगी। ये सारे जूसेस मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इसका जूस ही लेना है और पल्प नहीं लेना है। पल्प लेती हूँ तो मतलब टाइम लगता है सूखने में भी, और जो जाता नहीं है अंदर अच्छे से पोर्स में, अच्छे से क्लीन पोर्स में जाना चाहिए तभी ये अच्छे से वर्क करता है। और लूँगी मैं लेमन, मैं हाफ लेमन ले रही हूँ। तो मैं हाफ लेमन ले लूँगी, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप लेमन और जो
ये मैंने लिया है टमाटो जूस, वो आप मत लें। और मैं नेक्स्ट ले रही हूँ चंदन पाउडर। चंदन पाउडर बहुत ही अच्छा होता है, आपकी स्किन को ठंडक प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन इससे ठंडक हो, ठंडक मिलती है स्किन को, फेस की स्किन। और ये 1 स्पून मैंने डाल दिया है। और मैं ले रही हूँ डावर का, ये डावर हनी है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ही लूंगी, बस थोड़ा ही लेना है, क्योंकि ये आपकी जो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे स्किन है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और मैं लूंगी मैं ले रही हूँ कर्ड, मैं कर्ड ले रही हूँ थोड़ा सा, 1 स्पून कर्ड ले लूंगी मैं। और मैं ले रही हूँ एसेंशियल ऑयल, ये मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं ले लेती हूँ। ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, ये अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, एक्ने प्रोन स्किन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैं ले रही हूँ टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, ये आपकी एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, इसलिए मैं ये ले रही हूँ। और टू ड्रॉप इसका ले लेंगे दोनों का ही। ले लूंगी मैं इतना ही, और ये बहुत अच्छा होता है। और अब मैं ले रही हूँ टी ट्री, ये देखिए। ये निकल नहीं रहा है, 1 मिनट निकालती हूँ मैं। तो मैंने इसमें छेद कर लिया है, तो अब ये डाल दे रही हूँ, 2 से 3 ड्रॉप डाल दूंगी मैं। निकल ही नहीं रहा है, चलिए फिर भी डल गया है, 2 से 3 ड्रॉप डाल दिया है मैंने। और मैं ले रही हूँ कुकम्बर का जूस, कुकम्बर जूस आपको 1 स्पून ही चाहिए। देखिए कुकम्बर जूस ले रही हूँ मैं, आपको कद्दूकस करके इसका जूस निकाल लेना है कुकम्बर से, और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए। सारी नहीं, सारा जूस डाल दे रही हूँ, और मैं मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वेट कर लिया है, वो भी रोज़ वाटर के साथ। और अगर आप मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं मुझे, तो मैं रोज़ वाटर हमेशा अप्लाई करती हूँ, कोई भी फेस पैक मैं अप्लाई करूँ तो। और मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, और मैं अब इसको फेस पर अप्लाई कर ले रही हूँ, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स, मैंने जितनी भी चीज़ें इसमें ली हैं तो ये सब आपके पास मिल ही जाएंगी, आपको सब सारी चीज़ें आपको मार्केट से घर में ही मिल जाएंगी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल वगैरह नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये नहीं डालने हैं। डाल सकते हो, मतलब अभी समर्स में मत डालिए, अगर डालना है तो 1-1 ड्रॉप्स डाल सकते हो अगर आपके पास है तो, वरना आप स्किप कर दीजिए। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप टमाटो और लेमन को भी स्किप कर दीजिए, और आप चंदन जो मैंने लिया है चंदन पाउडर वो आप डाल लीजिए। आप मुल्तानी मिट्टी के साथ तो बना ही सकते हैं, कोई भी फेस पैक हो तो आपको अच्छे से इसको पूरे फेस पर लगा लेना है। आपसे इसकी मैं इसको बहुत दिनों से अप्लाई कर रही हूँ, कुछ दिन मैंने देखा इसको लगा कर, चिपचिप बिल्कुल नहीं रहता है, फेस एकदम क्लीन हो जाता है। और अगर ये थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको हैंड पर, आपकी लेग्स पर और अपने बॉडी पार्ट्स पर लगा सकते हैं, जैसे कि इधर तक, नेक तक, नेक एरिया से नीचे भी आप लगा सकते हो जब आप बॉडी वॉश करते हैं, शावर लेते हैं उस समय आप लगा लीजिए। कुकम्बर जूस तो बहुत ही अच्छा होता है, ये है हमारी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं तो वो भी आपके इससे श्रिंक हो जाएंगे। और मैंने जो कर्ड लिया है वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये ऑयली स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है वो। और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है आपकी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुपर डुपर ड्राई है, तो आपको हनी तो ले ही लीजिए आप, लेकिन आपको इसमें कर्ड मत डालिए, मतलब रॉ मिल्क होता है वो डाल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अप्लाई कर लेना है, और 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के लिए आप इस तरह ही छोड़ दीजिए, इसको लगा रहने दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से
सूख जाएगा, जिससे ड्राई हो जाएगा और जो आपके ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक हो जाएंगे और अंदर से डीपली क्लीन भी हो जाएंगे सारे ओपन पोर्स वगैरह। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, 20 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स मेरे पैक को 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं, तो मैं इसको वॉश करके आपसे मिलती हूँ। और मैं थोड़ा मतलब अब वॉश करने के बाद ही मिलूँगी आपसे। और क्या दिखाना, मतलब हमेशा दिखाती हूँ कि पैक किस तरह का रहता है, बिल्कुल क्लीन। और देखिए मेरे हैंड्स पर, और ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे कैप्चर नहीं कर रहा है कैमरा, लेकिन जो इसका मैंने लगा कि हैंड्स पर भी छोड़ दिया था, और लगाने के बाद बहुत ही क्लियर स्किन हो जा रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं आपको बिल्कुल अपना मेकअप करके दिखाऊंगी जब मैं, तब पता चलेगा आपको कि कितना फ्लॉलेस से एकदम मेकअप हो रहा है। मतलब बहुत ही अमेजिंग और सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, ग्लो तो करेगी ही। और आपकी चिप 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 जितनी भी स्किन हो रही है, मतलब ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, जितनी भी आजकल का वेदर ही ऐसा है कि चिपचिप सभी की स्किन हो रही है, तो इससे चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होगी। और अगर आपको कहीं जाना है तो आपकी स्किन पे इसको 15 मिनट पहले लगा लीजिए, और इसको हटाने के बाद आप मेकअप करिए, तो आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लो भी आएगा और आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी। ग्लो तो करेगी ही, और चिपचिप चिपचिप बिल्कुल भी नहीं करेगी, मतलब जो ऑयलीनेस होता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। चाहे कोई भी स्किन वाले हों, चाहे वो ऑयली स्किन वाले हों, चाहे तो ड्राई स्किन वालों को तो वैसे भी इतना ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं महसूस होती है, लेकिन आजकल स्वेटिंग तो सभी को ही हो रही है। तो चलिए फटाफट से मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मेकअप के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और मेरा फेस एकदम क्लीन है और ड्राई होने वाला है, मतलब ड्राई हो जाएगा तब मैं अच्छे से इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसके ऊपर एलोवेरा जेल वगैरह लगा लूँगी और इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी नाइट में, तो ये ब्रीथ अच्छे से ले होगा और ब्रीथिंग भी अच्छी होगी मेरे फेस की, और ग्लो भी, जो भी मैंने जो भी फेस पर लगाया था वो अच्छे से ऑब्जर्व होगा, वो अपना काम करता रहेगा। जो भी जो चीज़ें अंदर गई हैं, ओपन पोर्स जो थे, पोर्स के अंदर जो गई हैं वो उस पर अच्छे से वर्क करेंगी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने कैसे पैक बनाया है और कैसे यूज़ करना है। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एसेंशियल ऑयल ही आप ऐड करें, और नहीं तो आपको परचेस लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। purple.com पर जाएंगे तो आपको सारे जो भी आपको एसेंशियल ऑयल लेने हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, आपकी स्किन की जो भी प्रॉब्लम है, आपके हेयर्स की जो कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसे सारी सॉर्ट आउट हो जाती है, इसलिए ये बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पैक कैसा लगा, ऑयली स्किन के लिए अच्छा है या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता चलता है इससे कि आप किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हो और क्या देखना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और मैं क्या शेयर करूँ। और तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना तो बनता ही है, लाइक करिए, शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल आएगी, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट करिएगा, जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो भी आपके पास पहुँच जाएगा, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपके मतलब का हुआ तो अगर आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा अच्छा लगे मुझे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मैं ये कहना चाहती थी कि ये वाले जो मैं बात करना चाह रही हूँ, तो ये जो हो चुका है, जो मैंने पैक बताया वो तो बात हो ही गई है, देख भी लिया है आपने। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री होते हैं सारी चीज़ें, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ 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 आप लोग कुछ थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए डियर, कि मैं ज़्यादातर इतना मैसेज के रिप्लाई नहीं दे सकती। अगर आप फेसबुक पर मुझे मैसेज करते हो या फिर
मैसेंजर पे मैसेज करते हो तो मैं इतना नहीं बता सकती हूँ आपको मैसेज कर करके अलग अलग जगह पर, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं या फिर आप किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, मतलब कोई भी चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं आपकी स्किन से रिलेटेड या फिर अपने मतलब हेयर से रिलेटेड, मतलब कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ वीडियो में ही कमेंट किया करिए, तो मैं वीडियो में ही कमेंट के जवाब दे देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ तो मुझे इतना संभव पॉसिबली भी नहीं हो पाता है कि मैं आप लोगों को मैं अलग अलग जगह पर मतलब फेसबुक पर भी देखूं और मैसेंजर पर भी देखूं कि आपके क्या मैसेज आए हैं, तो इसलिए मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है वहां पर कमेंट करिए। तो और क्या कहते हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिजी होती हूँ मैं, इसलिए तो मुझे ये सब नहीं कर पाती हूँ। ये अगर आप इंस्टा आप लोग यूज़ करते हैं तो इंस्टा पर भी मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टा पर मैं अवेलेबल हूँ, बस आप दो जगह ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, या इंस्टा पर या फिर यूट्यूब के चैनल पर आप मेरे वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है वहाँ पर आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं जो भी कोई प्रॉब्लम है आपकी, मैं सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की और आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उनका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे पाऊँ। बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मैं आंसर दूंगी तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मैं आप लोगों की बातों को सुन रही हूँ, मतलब देख रही हूँ, मैं मैसेज वगैरह देखती हूँ, रीड करती हूँ, बिल्कुल रीड करती हूँ, और बहुत ज़रूरी होता है रीड करना, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा डियर समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझ जाएंगे आप लोग। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ही कमेंट किया करिए, मुझे इंस्टा पर आप कर सकते हो, मुझे फेसबुक पर या फिर मैसेंजर पर प्लीज़ मुझे मैसेज मत करिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप कोई भी हैं, मतलब गर्ल हैं, बॉय हैं, गर्ल बॉयस मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं उनको सनस्क्रीन बताऊं, तो सनस्क्रीन के लिए बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो मैं उसमें सारे क्लियर कर दूंगी जो भी पॉइंट्स होंगे आपके, तो मैं बहुत जल्दी क्लियर करूंगी। तो अगला वीडियो शायद आपको सनस्क्रीन का ही मिले, शायद इतना ज़रूरी नहीं है कि शायद वो मिले, क्योंकि और भी पेंडिंग मेरे पड़े ही रहते हैं वीडियोस, तो मैं उनको ही पहले निकालने की कोशिश करती हूँ कि पहले वो अपलोड हो जाएं फिर मैं कुछ और डालूं। लेकिन अभी क्या है कि जो वेदर चल रहा है उसमें सनस्क्रीन का बहुत ज़्यादा रोल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सनस्क्रीन, तो इस वजह से तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा आप मुझे वीडियो में ही कमेंट करिए, मुझे मैसेंजर पर और फेसबुक पर प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, मतलब मैसेज मत करिए प्लीज़। मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं कमेंट बॉक्स में भी मैं जो मैसेज आपके रहेंगे तो मैं उसका जवाब उसमें भी दे सकती हूँ या फिर वीडियो बनाकर भी आपको जवाब दे सकती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग मेरे वीडियो नया देख रहे हैं, मेरा न्यू चैनल देख रहे हैं, रिचा रॉय को नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा, तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।